क्लास नाइन्थ रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। फूड सिक्योरिटी बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि खाने के आजू बाजू बॉडीगार्ड्स लगाना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि खाना सफिशियंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो, हर व्यक्ति तक खाना पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जिन तक खाना नहीं पहुंच सकता है, दो वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, ले नहीं सकते हैं। वो सेक्शन कौन से हैं, उन्हें खाना देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इंफ्रा तैयार किया है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बफर स्टॉक और रैशनिंग सिस्टम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में आता है। तो इंडिया में रैशनिंग सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, करंट स्टेटस क्या है, कोऑपरेटिव्स क्या फूड सिक्योरिटी में रोल प्ले कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। अब अगर हम बात करें तो तीन डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी के। पहला डायमेंशन है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि फूड अवेलेबल होना चाहिए हर व्यक्ति के लिए। वो हो सकता है आप इंपोर्ट करके अवेलेबल करवाओ, या फिर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर का स्टॉक्स आपकी ग्रेनरीज में आपने भर के रखा हो। दूसरा डायमेंशन होता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि फूड जो है हर व्यक्ति की पहुंच तक रहे। ऐसा नहीं है कि कुछ क्षेत्र तक खाना पहुंच ही नहीं पा रहा, वहां पे फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे। और तीसरा डायमेंशन होता है अफोर्डेबिलिटी, खाना है भी, अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, लेकिन अगर व्यक्ति के पास में उतना पैसा ही नहीं, उतनी संपन्नता ही नहीं है, या फिर खाना उतना उस रेंज में नहीं है कि लोग अफोर्ड कर सके, तो वो अफोर्डेबिलिटी ना होने के कारण भी खाना होना या ना होना एक समान ही है। साहब कुछ खाने को दो ना साहब। तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी तीन डायमेंशंस होते हैं। अगला टॉपिक आता है व्हाई फूड सिक्योरिटी। लोग गरीब हैं। दूसरी चीज, कुछ लोग जो अबव पॉवर्टी लाइन है वो भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं नेचुरल डिजास्टर्स और कैलामिटी वाली सिचुएशन में, जैसे सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, किसी महामारी का आ जाना जैसे कोविड। अब उस केस में क्या होता है, इन कैलामिटीज के टाइम पीरियड में फूड सिक्योरिटी इफेक्ट होती है, खाने की कमी होती है, प्राइजेस ऊपर जाते हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और इस कारण लोगों की भूख के कारण मृत्यु होती है। इसी स्थिति को फेमाइन कहा जाता है, जब लार्ज स्केल डेथ होती है ड्यू टू स्टार्वेशन। बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स पूरा लूट ले गए थे, तब ऐसी स्थिति डेवलप हुई थी कि करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। अब आपको यह समझना होगा कि आज वैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन यह बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है और पेनफुल है कि कालाहांडी, काशीपुर जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं आज, जहां आज भी फूड सिक्योरिटी नहीं है, लोग स्टार्वेशन के कारण जिनकी डेथ हो रही है, कुछ रिमोट एरियाज में भूख के कारण आज भी लोग मर रहे हैं। कौन है ये लोग, हु आर फूड इनसिक्योर? देखो, वैसे तो एक लार्ज सेक्शन जो है हमारी पॉपुलेशन का फूड इनसिक्योर है, लेकिन शहरों में और गांव में अगर देखा जाए तो गांव में जो लैंडलेस वर्कर्स होते हैं, पुअर्स होते हैं, बेगर्स होते हैं, डेस्टिट्यूट्स होते हैं, वो लोग फूड इनसिक्योर होते हैं। शहर में जो कैजुअल वर्कर्स हो गए, जो इल पेड होते हैं, जिनके पास में बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं होती है, कभी कभी सोशल कंपोजिशन भी फूड इनसिक्योरिटी की तरफ लोगों को धकेल देता है। जैसे गरीब भी है, साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर अदर बैकवर्ड कैटेगरी को बिलोंग करता है। एक फैमिली के अंदर ही अगर आप जैसे देखोगे तो क्या हो रहा है कि छोटे बच्चे हो गए, अगर मान लो गरीब परिवार है तो जो बच्चा पेट में पल रहा है वो माल मैनेजमेंट का शिकार हो सकता है। साथ ही साथ आपको देखने को मिल रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, ओल्ड पीपल, एज पीपल हो गए, विडोज हो गई, तो ये सब फूड इनसिक्योर होते हैं, जो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। फूड इनसिक्योर लोग अगर आप देखेंगे तो रीजन वाइज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, बैकवर्ड स्टेट्स के भी कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, यहां पे आपको फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी प्रेवलेंट। फूड इनसिक्योरिटी में हंगर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हंगर सिर्फ गरीबी को दर्शाता नहीं है, इनफैक्ट कभी कभी गरीबी का कारण भी बनता है हंगर, यानी कि सफिशियंट क्वांटिटी और क्वालिटी में फूड का ना होना। अब अगर आप देखेंगे तो दो तरह का हंगर होता है, एक सीजनल हंगर, मतलब एक सीजन तक खाना मिल रहा है, दूसरे सीजन में खाना नहीं है। एग्रीकल्चरल एरियाज में इस तरह की फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है, सीजनल हंगर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक सीजन पे काम होता है तो व्यक्ति खाना सफिशियंट क्वांटिटी में और क्वालिटी में अफोर्ड कर सकता है और अवेलेबल होता है। वैसे ये क्रॉनिक हंगर होता है जो शहरों में प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है कि थ्रू आउट द ईयर परसिस्टेंटली जब एक व्यक्ति इनएडिक्वेट डाइट से जूझ रहा होता है, क्वांटिटी और क्वालिटी के टर्म्स में बस खाना उसको मिल रहा है लेकिन सफिशियंट क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है, क्वालिटी में नहीं मिल रहा है, और थ्रू आउट द ईयर, इसे क्रॉनिक हंगर कहा जाता है। तो हंगर के दो टाइप, सीजनल हंगर, क्रॉनिक हंगर। खैर, समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करते हैं, आइए देखते हैं मजा आएगा। इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, हम फिर भी अपनी भूख को मिटा नहीं पाए। कोई ये नहीं बोलेगा कि हम कुंभकर्ण है, ठीक है। पॉइंट बीइंग कि मल्टीपल डायमेंशन से, लेकिन सरकार ने प्रयास किए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया 1960s में, और उसके चलते वीट का प्रोडक्शन बहुत बड़ा, फोकस राइस पे लाया गया, राइस का भी प्रोडक्शन बढ़ाया गया, और इस तरह से हमने सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड अपने लिए अवेलेबल करवाया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया यहीं से शुरू होता है।
तो जैसे अगर आप देखेंगे तो दो डायमेंशन है, एक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एक है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है इसको समझते हैं। तो बफर स्टॉक यानी सिंपल सी चीज है कि स्टॉक्स क्रिएट करना फूड ग्रेन्स के, ठीक है। कैसे किए जाएंगे? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे एफसीआई जो है वो फार्मर से फूड ग्रेन्स परचेस करती है ऑन एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एक प्री अनाउंस प्राइस फार्मर्स को दे दी जाती है कि देखो भैया गेहूं प्रोड्यूस करोगे तो हम आपसे गेहूं 2700 रुपए क्विंटल में खरीदेंगे। तो ये एमएसपी सेट की कर दी जाती है, फार्मर से फूड ग्रेन्स प्रोक्योर किए जाते हैं और इन फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करके स्टॉक किया जाता है, इसे कहा जाता है बफर स्टॉक। ये फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने का एक डायमेंशन है। ये जो स्टॉक्स क्रिएट किए गए हैं इन स्टॉक्स में से फिर फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फूड डेफिसिट एरियाज में, कंट्री के रिमोट पार्ट में गरीब लोगों तक, और उन्हें कम दामों पे फूड ग्रेन दिए जाते हैं जिन्हें इश्यू प्राइस कहा जाता है। ये पूरा एक डायमेंशन हो गया। दूसरा डायमेंशन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चलता है ना वो पीडीएस के थ्रू चलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल, बड़ा सिंपल सा है कि गवर्नमेंट ने सारा फूड प्रोक्योर करके स्टोर कर लिया, अब इसे राशन शॉप्स के थ्रू जिन्हें फेयर प्राइस शॉप्स भी कहा जाता है उनके थ्रू गरीबों तक पहुंचाया जाता है। एक फैमिली जिसके पास में राशन कार्ड है, राशन कार्ड अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अंत्योदया कार्ड, अबव पॉवर्टी लाइन कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, और उस कार्ड के हिसाब से 35 किलोग्राम तक का अनाज, 5 किलो तक की शकर और 5 लीटर तक का केरोसिन, ये सारा सामान एक गरीब परिवार हर महीने के हिसाब से, हर व्यक्ति के हिसाब से ले सकता है अपने राशन कार्ड के हिसाब से। और ये दुकानें जो रहती गवर्नमेंट रेगुलेटेड रहती, इन्हें राशन शॉप कहा जाता है। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। अब अगर हम बात करें रैशनिंग इंडिया में कब इंट्रोड्यूस की गई, तो 1940s में रैशनिंग सिस्टम को बंगाल फेमाइन के बैकड्रॉप में इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। 1960s में उसे रिवाइव किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले, क्योंकि उस समय पे फूड इनसिक्योरिटी थी, पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारी लड़ाई चल रही थी। फिर 1970s में जो बढ़ते पॉवर्टी के इंसिडेंट्स थे उसके चलते एनएसएसओ ने 3 डायमेंशन सजेस्ट करे, जो था एक पीडीएस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उसको स्ट्रेंथन करने की बात करी, दूसरा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम पे फोकस किया कि बच्चों का विकास हो क्योंकि वही आगे जाके देश का भविष्य बनते हैं, और तीसरी चीज फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाए गए कि काम दो जिससे लोग कमाएंगे और खाएंगे। आत्मनिर्भर भारत, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चल रहे थे। बाद में लेटर ऑन भी आप क्या देखेंगे तो जैसे मिड डे मील स्कीम जैसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई जो फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स जो थे जिससे लोगों को रोजगार मिले, रोजगार मिलेगा पैसा कमाएंगे तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी, इन सारी चीजों पे फोकस किया गया। चैप्टर आगे बढ़ता है और अगला टॉपिक आता है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कंटिन्यूस एडवांसमेंट और रिविजन होते रहते हैं ताकि उस सिस्टम को और एफिशिएंट और टारगेटेड बनाया जा सके। ये जो चार्ट देख रहे हो आप, इस चार्ट में आपको हर चीज समझ में आएगी। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की 1992 तक कवरेज जो थी वो यूनिवर्सल थी, 2.34 रुपीस में वीट और 2.89 रुपीस में राइस सबको मिलता था। 1992 में रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जहां पे कंट्री के 1700 बैकवर्ड ब्लॉक्स को डिसाइड किया गया, 20 केजी ऑफ ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स हर इंडिविजुअल को दिया जाएगा, जहां पे वीट 2.80 रुपीस केजी मिलेगा और राइस 3.77 रुपीस में। टीपीडीएस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है 1997 में। ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी, इस स्कीम में कैटेगराइज कर दिया गया पुअर और नॉन पुअर को, मतलब बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड, अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए, जहां पे 35 किलोग्राम फूड ग्रेन्स दिया जाएगा, रेट में डिफरेंस था बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए। फिर अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम, ये दो मेजर स्कीम्स ईयर 2000 और 2002 में इंट्रोड्यूस की गई, जहां पे आप अंत्योदय अन्न योजना में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को फूड ग्रेन्स देंगे और अन्नपूर्णा स्कीम में इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स को फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे फ्री। इसके अलावा एक जो मेजर स्टेप लिया गया वो 2013 में लिया गया जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, जहां पे ये रिकॉग्नाइज किया गया कि 75% जो जनसंख्या है गांव की और 50% जो जनसंख्या है शहर की, वहां पे प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स तय किए जाएंगे और 2 रुपए किलो में गेहूं और 3 रुपए किलो में जो चावल होता है वो प्रोवाइड किया जाएगा हर एक गरीब को। ये पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो नेटवर्क था, इसके एडवांटेजेस अगर देखोगे तो फूड अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कर पाए हम। हम ये इंश्योर कर पाए कि प्राइसेस स्टेबल रहे, हंगर और फेमाइन जैसी सिचुएशंस ना बने कंट्री में, और साथ ही साथ जब एमएसपी दिया गया और फूड प्रोक्योर किए गए तो उससे फार्मर्स ने फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी बढ़ाया, उनकी इनकम भी स्टेबल हुई है। इन सारी चीजों के बावजूद बहुत सारी चैलेंजेस भी हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेस करता है। जैसे सबसे पहला और बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ग्रेनरीज फुल है, ओवरफ्लो कर रहा है फूड ग्रेन्स बफर स्टॉक्स में, लेकिन फिर भी लोग भूखे मर जा रहे हैं,
कारण कि प्रॉपर टारगेटिंग नहीं हो पा रही है। बफर स्टॉक्स बहुत ज्यादा मेंटेन है, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, मेंटेनेंस का ही इतना सारा लॉजिस्टिक कैरी करना है, अनाज पड़े पड़े सड़ जाता है, और एक तरफ हम यही नहीं देख पा रहे कि कुछ लोग भूखे मर जा रहे हैं क्योंकि सिस्टम एफिशिएंट नहीं है। दूसरी मेजर समस्या ये देखने को मिलती है कि क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया है। एमएसपी मिलने से कुछ स्टेट सिर्फ वीट और राइस का ही प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया, ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। तीसरी समस्या है इनइफेक्टिवनेस ऑफ पीडीएस, और जिसके चलते बहुत सारे लोग ओपन मार्केट से ग्रेन खरीद रहे हैं। चौथी समस्या जो देखने को मिलती है, नायक मूवी तो देखी होगी कि जो राशन शॉप्स होते हैं वहां पे बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस होती है, फूड ग्रेन्स को ओपन मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है, खराब ग्रेन्स बेच दिए जाते हैं, दुकानें बंद कर दी जाती है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। इसके अलावा मल्टीपल कार्ड्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये भी समस्या है। इस हिसाब से इसका महीने का इनकम हो गया एक चीफ मिनिस्टर की सैलरी से भी ज्यादा, ये पैसा तेरे बाप का नहीं है। कोऑपरेटिव एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में, जैसे मदर डेयरी दिल्ली में, अमूल इन द होल कंट्री, ADS अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जो ग्रेन बैंक डेवलप करवाता है महाराष्ट्र में। दिस वॉज द होल चैप्टर, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।